जी मार्केट फेलियर के अंदर लाइक सब टॉपिक है हमारे पास, टाइप्स ऑफ कॉस्ट एंड देन वी विल लुक इनटू इस यूनिट के अंदर हमारे पास लाइक टाइप्स ऑफ कॉस्ट हैं, पहले हम देखेंगे, देन वी विल लुक इनटू टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स, then we will look into optimum level of output, and the fourth thing is and its causes, और जो last चीज होगी policies to correct market failure. Okay, so this topic is really simple और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं इसका मैक्सिमम पार्ट आज भी. टाइप्स ऑफ कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू नंबर वन प्राइवेट कॉस्ट. प्राइवेट कॉस्ट इज आल्सो नोन एज लाइक internal cost, and the second one is external cost, and we have another name of external cost as well, and external cost is also known as negative externalities, and the third one is third cost is social cost. जी. So one by one we will look into the basic definitions and graphs as well as examples of these costs, starting with private cost. Private cost is cost to the producer or consumer for producing or consuming goods and services. प्रोड्यूसर्स को जो गुड्स बनाने के लिए जो कॉस्ट पे करना पड़ती है और कंज्यूमर्स को गुड्स बाय करने के लिए जो कॉस्ट पे करना पड़ती है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट कॉस्ट. सो ये रेलेवेंट पार्टीज की कॉस्ट होती है. कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स आर द रेलेवेंट पार्टीज. व्हाट काइंड ऑफ एग्जांपल्स वी कैन टेक फॉर दिस टाइप ऑफ कॉस्ट? Examples of private costs include like price paid by the consumer to purchase a product, and cost of production paid by the producer to make a product और प्राइवेट कॉस्ट. जी एग्जांपल्स प्राइवेट कॉस्ट की प्रोड्यूसर के लिए क्या हो सकती है? एग्जांपल्स फॉर प्राइवेट कॉस्ट फॉर द कंज्यूमर फॉर द प्रोड्यूसर मे इंक्लूड लाइक कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इसी तरह से लाइक wages of labor, इसी तरह से rent of the building, and salaries paid to the staff are private costs to the consumer. ठीक है. सो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को जो भी कॉस्ट पे करना पड़ती है, कंज्यूमर्स को गुड्स बाय करने की कॉस्ट और प्रोड्यूसर्स को गुड्स प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट पे करना पड़ती है, वो सारी प्राइवेट कॉस्ट की एग्जांपल्स हैं. प्राइवेट कॉस्ट का क्वांटिटी के साथ पॉजिटिव लिंक होता है. ठीक है. प्राइवेट कॉस्ट आर पॉजिटिवली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ आउटपुट. ठीक है. चाहे प्रोडक्शन हो चाहे कंजम्पशन की क्वांटिटी हो, उनके साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. लेकिन पॉजिटिव रिलेशनशिप को का मतलब क्या होता है? लाइक मैथ में आप लोग पढ़ते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप इज आल्सो नोन एज डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब है कि एक चीज अगर बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक कम होगी दूसरी भी कम होगी, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। सो प्राइवेट कॉस्ट का ग्राफ बनाएंगे तो दैट विल लुक लाइक दिस। दिस इज ओरिजिन पॉइंट, ऑन एक्स वी हैव क्वांटिटी एंड दिस इज प्राइवेट कॉस्ट। आई एम यूजिंग पीसी फॉर प्राइवेट कॉस्ट और वाई पे यहाँ पे हम कॉस्ट लिख देते हैं। अगर लेट्स अज्यूम कि इनिशियली द प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसिंग दिस मच क्वांटिटी और कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग दिस मच क्वांटिटी Q ऑफ अ प्रोडक्ट, देन ही विल हैव टू पे प्राइवेट कॉस्ट इक्वल टू C। नाउ इफ द प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस मोर क्वांटिटी और कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर क्वांटिटी फ्रॉम Q टू Q1, देन प्राइवेट कॉस्ट विल इंक्रीज फ्रॉम C टू C1। सो दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लाइक क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड या कंज्यूम्ड इंक्रीज हुई तो कॉस्ट भी बढ़ गई। जब दोनों वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो तो इसे हम नाम देते हैं डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप। ओके, सो नाउ मूविंग टू अनदर टाइप ऑफ कॉस्ट, दैट इज एक्सटर्नल कॉस्ट। एक्सटर्नल कॉस्ट जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये थर्ड पार्टी की कॉस्ट होती है, एक्सटर्नल कॉस्ट विच इज आल्सो नोन एज नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इज द कॉस्ट to the third party caused by production and consumption of goods and services. Like when consumers consume a product and when producers produce a product, that doesn't only cost to the producer or consumer, but also they cost to the third party as well. While third party is a person who is neither producer nor consumer. ठीक है, third party कौन होता है? Third party is a person who is neither producer nor consumer. ठीक है, ये ना तो producer होता है ना ही consumer होता है, इसका transaction से कोई लेना देना नहीं होता है दूर दूर तक, but he has to pay some cost. और ये कॉस्ट ज़रूरी नहीं है फाइनेंशियल टर्म में हो, लाइक किसी भी किस्म की जो ट्रबल आप फेस करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की, कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी वजह से थर्ड पार्टी को जिसका उस ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं है, बट स्टिल ही इज़ फेसिंग सम कॉस्ट, दैट इज़ कॉल्ड थर्ड पार्टी कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट। इसकी एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं? एग्जाम्पल्स में इंक्लूड, ओके सो एग्जाम्पल्स इसकी क्या हो सकती हैं? लाइक पोल्यूशन या फिर कह लें नॉइज पोल्यूशन कॉज्ड बाय एन एयरपोर्ट, ठीक है। इसी तरह से ट्रैफिक कंजेशन या फिर लाइक एयर पोल्यूशन होगी, नॉइज पोल्यूशन होगी और वाटर पोल्यूशन। किसी भी टाइप की जो पोल्यूशन है जो थर्ड पार्टी को ज़्यादा अफेक्ट करेगी, दैट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी चलाई, गाड़ी चलाने की वजह से जो आपको कॉस्ट पे करना पड़ी, लाइक आपको क्या कॉस्ट पे करनी पड़ी, उसका फ्यूल आपने बाय किया, बिकॉज टैंक्स नेवर रन ऑन वाटर, यू नीड मनी and no one is made of money, so they have to pay some costs, and when you pay costs that is private cost to you. लेकिन उस फ्यूल को यूज़ करने के लिए जब आपने गाड़ी को रन किया तो उसका सिर्फ आपके ऊपर कॉस्ट नहीं गई थी, थर्ड पार्टी को कॉस्ट जाएगी। जैसे आप रोड पे आएंगे तो रोड पे कंजेशन बढ़ेगी, अगर गाड़ी से स्मोक रिलीज होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो थर्ड पार्टी को यानी एनवायरनमेंट को डैमेज करेगी, लोगों की हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकती है। ओके, सो इसी तरह से लाइक नॉइज़ पोल्यूशन भी हो सकता है। बाज़ वक़्त लोग बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ में हॉर्न बजाते हैं तो उससे भी नॉइज़ पोल्यूशन कॉज होती है और स्मोक भी उससे क्रिएट हो सकती है। सो दीज आर काइंड ऑफ कॉज। for the costs, external cost caused by the consumers. Producers कैसे cause करते हैं, like ज़ाहिर फैक्ट्री का जो स्मोक निकलेगा प्रोडक्शन की वजह से, वो भी थर्ड पार्टी को अफेक्ट करेगा, लोगों की हेल्थ को अफेक्ट करेगा, वो भी एक एग्जाम्पल है एक्सटर्नल कॉस्ट की. समटाइम्स ये कॉस्ट लाइक एक्सटर्नल कॉस्ट फाइनेंशियल टर्म में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव टू यूज शेडो प्राइसिंग, यानी हमें जस्ट एस्टिमेट लगाना होता है कि व्हाट काइंड ऑफ कॉस्ट वी आर फेसिंग. जैसे अगर किसी के जो लाइक बैड बिहेवियर था उसकी वजह से आपको आपका मेंटल लाइक स्ट्रेस में चले गए, मेंटल टॉर्चर हुआ आपका, तो उसको हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू या ये नहीं कह सकते कि कोई भी नहीं कह सकता कि ही हैज़ कॉस्ट मी $100 ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ या $100 ऑफ कॉस्ट. तो कोई ऐसा नहीं कह सकता कि $100 कॉस्ट पड़ी मुझे किसी के बैड बिहेवियर की वजह से. वो एक ऐसी चीज़ है जैसे आप फील कर सकते हैं, उसको मनी के टर्म में आप कैलकुलेट नहीं कर सकते. सो इसके लिए जनरली शेडो प्राइसिंग यूज़ होती है. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लाइक सोशल कॉस्ट. Social cost is cost to the third part, to the overall society. इसको अगर हम define करें, it is cost to the overall society. Overall society मतलब जिसमें consumers भी आ जाते हैं, including consumers, producers and the third party. यानी सारे लोगों को मिला के जो overall society को cost pay करना पड़ती है, that is called social cost. पूरी सोसाइटी की कॉस्ट. और सोशल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सटर्नल कॉस्ट प्लस प्राइवेट कॉस्ट. प्राइवेट कॉस्ट इसी तरह से अगर आपको प्राइवेट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो फिर इसी फॉर्मूला से जो मैंने ऊपर लिखा है आप फाइंड कर सकते हैं, लाइक सोशल कॉस्ट माइनस एक्सटर्नल कॉस्ट. एक्सटर्नल कॉस्ट इसमें जस्ट हमने क्या किया, लाइक प्राइवेट कॉस्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया, दिस इज सब्जेक्ट प्राइवेट कॉस्ट, इसको सब्जेक्ट बना लिया. इसके लिए फिर क्या करना पड़ा, आपको एक्सटर्नल कॉस्ट को मूव करना पड़ा दूसरी साइड पे इक्वेशन की. दूसरी साइड पे हमारे पास सोशल कॉस्ट ऑलरेडी मौजूद थी. अच्छा, सोशल कॉस्ट के स्पेलिंग थोड़े से ये वाले स्पेलिंग सही है. सोशल कॉस्ट माइनस एक्सटर्नल कॉस्ट, एक्सटर्नल कॉस्ट जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो सोशल कॉस्ट माइनस एक्सटर्नल कॉस्ट, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर प्राइवेट कॉस्ट. इसी तरह से लाइक आपको एक्सटर्नल कॉस्ट अगर फाइंड करनी है, एक्सटर्नल कॉस्ट अगर फाइंड करनी है तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, लाइक सोशल कॉस्ट माइनस प्राइवेट कॉस्ट. ठीक है, सो जस्ट आपने अब एक्सटर्नल कॉस्ट को सब्जेक्ट बना लिया. जब एक्सटर्नल कॉस्ट को सब्जेक्ट बनाया तो अब आपके पास ऑप्शन क्या रही, ये आपका सब्जेक्ट है. आप प्राइवेट कॉस्ट को दूसरी तरफ मूव करके ले जाएंगे तो वो जाके सोशल कॉस्ट में से माइनस हो जाएगी. सो सोशल कॉस्ट माइनस प्राइवेट कॉस्ट जो यहाँ से उधर है, जब इक्वेशन की साइड से की दूसरी साइड पे किसी वैल्यू को ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है. इधर प्लस प्राइवेट कॉस्ट था, इधर फिर आके माइनस प्राइवेट कॉस्ट हो जाएगा. सो दिस इज बेसिक टूल ऑफ मैथ, आई बिलीव यू नो दैट एज वेल. ओके, सो नाउ मूविंग टू द ग्राफ ऑफ सोशल कॉस्ट. Social cost is also positively related to the level of output. ठीक है, लाइक क्वान्टिटी के साथ इसका पॉजिटिव लिंक होता है. इफ आउटपुट इंक्रीजेस सोशल कॉस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज. ठीक है, एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा का मतलब होता है कि अगर इस सिचुएशन को रिवर्स कर दें तो आंसर भी रिवर्स हो जाएगा. लाइक अगर आउटपुट कम करेंगे तो सोशल कॉस्ट भी कम हो जाएगी. अच्छा, ये कॉन्सेप्ट्स लाइक ओ लेवल में थोड़े से सिंपल हैं, ए लेवल्स में फर्दर इनको लाइक वी हैव टू बेसिकली डीप डाइव इनटू द कॉन्सेप्ट टू रीच इट्स बेसिकली एक्चुअल कॉन्सेप्ट, जो कि काफ़ी लाइक डीप डाउन है. लेकिन ओ लेवल्स में चूँकि बिल्कुल सरफेस लेवल की इन्फॉर्मेशन होती, तो ओ लेवल्स में जितना कॉन्सेप्ट यूज़ होता है उतना ही यहाँ पे मैं डिस्कस करूँ. सो दिस इज़ ओरिजिन पॉइंट एंड वी हैव क्वांटिटी ऑन एक्स एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव लाइक सोशल कॉस्ट. दिस इज सोशल लाइन है सोशल कॉस्ट, और इधर हम वाई पे लिख देते हैं कॉस्ट। तो इसका पॉजिटिव लिंक है। उसी तरह से आप लिंक देख सकते हैं कि अगर आपके पास क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड या कंज्यूम्ड क्यू है तो सोशल कॉस्ट आपके पास SC हो जाएगा। अगर आप आउटपुट इंक्रीज करते हैं Q से Q1 कर देते हैं, ये Q1 है, तो आपके पास सोशल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी SC से SC1 की तरफ। तो एक चीज बढ़ाई तो दूसरी भी बढ़ी। जब इस तरह हो तो मैथ में हम इसको पॉजिटिव रिलेशनशिप कहते हैं या डायरेक्ट रिलेशनशिप भी कहते हैं। ओके, सो आई बिलीव यू हैव मेड द ग्राफ। जब भी ग्राफ बनाए उसके बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी होता है कि व्हाट डज दिस ग्राफ एक्चुअली शो। जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है दैट इज टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे एक्सटर्नल कॉस्ट के साथ अगर आप देख लें, एक्सटर्नल कॉस्ट जो है दैट इज कॉस्ट बाय बेसिकली डीमेरिट गुड्स, यानी एक्सटर्नल कॉस्ट इज कॉस्ट बाय डीमेरिट गुड्स। डीमेरिट गुड्स बेसिकली वो गुड्स होती हैं जो कंज्यूमर के साथ साथ थर्ड पार्टी को भी नुकसान देती हैं। जैसे पोल्यूशन की एग्जांपल दी, स्मोकिंग की एग्जांपल दी, सिगरेट्स जो हैं, सिगरेट्स बेसिकली डीमेरिट गुड्स की एग्जांपल में आती हैं, और पोल्यूशन किसी भी टाइप की होगी वो भी डीमेरिट गुड्स होती हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स भी उसी तरह तीन टाइप के बेनिफिट्स होते हैं हमारे पास। जैसे हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ कॉस्ट को डिस्कस किए, उसी तरह से टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स भी तीन टाइप के होते हैं। कौन से तीन टाइप्स के होते हैं उनको हम यहाँ पे देख लेंगे। जी, यहाँ पे हेडिंग दे दें टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स। पहला जो बेनिफिट है दैट इज प्राइवेट बेनिफिट। प्राइवेट बेनिफिट का जो दूसरा नाम है दैट इज इंटरनल बेनिफिट, और सेकंड वन इज एक्सटर्नल बेनिफिट्स। एक्सटर्नल बेनिफिट्स का दूसरा नाम होता है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, एंड द थर्ड वन इज social benefits. Okay, so one by one we will look into the basic definition of each type of benefit, then we will look into relevant examples, and then we will also make graphs as well. So graphs जो है ये थोड़ा सा जब आप A2 में जाएंगे तो आपको लगेगा, A levels में जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये वाले जो graphs हैं जिस तरह से पढ़े थे वो सही नहीं थे, गलत थे, और वाकई में ये लॉजिकली ये ग्राफ जो हम बना रहे होंगे वो जस्ट अज्यूम्ड होंगे, रियल टाइम वो करेक्ट ग्राफ्स नहीं होंगे। लेकिन ओ लेवल्स में क्योंकि बस इसी तरह ही एक्सेप्टेबल है, सो वी हैव टू फॉलो दैट। जी, प्राइवेट बेनिफिट अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो दीज आर द बेनिफिट्स टू द प्रोड्यूसर और कंज्यूमर for producing or consuming goods and services। ठीक है, goods and services बनाने की कॉस्ट या उसको बाय करने की जो का जो बेनिफिट है, कॉस्ट नहीं बेनिफिट, दैट इज प्राइवेट बेनिफिट। अब कंज्यूमर किस तरह से बेनिफिट लेता है, लाइक जैसे गाड़ी की एग्जांपल ले लें। अगर कोई इंसान गाड़ी बाय करता है तो उस गाड़ी से जो उसकी ट्रेवलिंग सिकनेस कम होगी, जो उसका टाइम सेव होगा, जो उसे कंफर्ट मिलेगी, वो उसका प्राइवेट बेनिफिट है। इसी तरह से प्रोड्यूसर्स ने जिसने गाड़ी बनाई उनको जो बेनिफिट होगा प्रॉफिट की फॉर्म में, वो भी प्राइवेट बेनिफिट है। सो प्राइवेट बेनिफिट्स आर बेनिफिट्स टू द प्रोड्यूसर फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, एंड टू द कंज्यूमर फॉर कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, और ए लेवल्स में जाके लाइक मार्जिनल का कॉन्सेप्ट आ जाता है, बट ओ लेवल्स में जो कि मार्जिनल का कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड नहीं है सिलेबस में, तो फिर हम प्राइवेट बेनिफिट को ही बेसिकली मार्जिनल के सेम कंसीडर करके ही ग्राफ्स बना रहे होते हैं। प्राइवेट बेनिफिट जो होंगे उनका रिलेशनशिप private benefits are negatively related to the level of production and consumption. जब कोई इंसान एक चीज़ को कंटिन्यूसली कंज्यूम करता जाता है तो उसके जो बेनिफिट्स हैं उसको कम फील होना शुरू हो जाते हैं. ये एक लाइक साइकोलॉजिकल इशू है, अगरचे असल में ऐसा नहीं होता कि वाकई में हमेशा ऐसा ही हो कि कम होते जाएं, लेकिन ह्यूमन नेचर है. एक्सेप्शंस मे बी देयर, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आपके जो लाइक कंज्यूमर्स हैं जब एक ही चीज़ को रिपीटेडली कंज्यूम करते रहेंगे तो उनको लगता है कि हर दफ़ा जब वो ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उनको बेनिफिट पहले से कम मिलता है. सो वाई पे हम बेनिफिट्स लिख रहे हैं, एक्स पे क्वांटिटी है एंड दिस इज़ प्राइवेट बेनिफिट. जैसे अगर लेट्स से कि आपको प्यास लगी होती है, आप एक गिलास पानी का पीते हैं तो आपको फील होता है कि बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा मिला, उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली, आपको यूटिलिटी मिली. लेकिन जब आप सेकेंड ग्लास यूज़ करेंगे, क्वांटिटी क्यू से Q1 तक बढ़ाएंगे तो बेनिफिट B1 से B2 तक नीचे आ जाएगा. सो इसी तरह से अगर आप उसी सेम चीज़ को बार बार यूज़ करते जाएंगे, ज़्यादा यूज़ करते जाएंगे तो उससे आपका जो बेनिफिट होता है वो भी रिड्यूस होता जाता है. सो इसलिए जो प्राइवेट बेनिफिट्स का ग्राफ है वो डिमांड कर्व की तरह बनेगा. नेगेटिवली स्लोप जैसे पिछला हमने बनाया था पॉजिटिव स्लोप था बिकॉज ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स. ओके, सो क्वांटिटी हम बढ़ाते जा रहे हैं, Q से Q1 की, फिर Q1 से Q2 तक बढ़ा दी. प्राइवेट बेनिफिट हमारा B1 से B2 B3 नीचे की तरफ आता जा रहा है कंटिन्यूसली. सो दिस इज काइंड ऑफ नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप. नाउ मूविंग टू द एक्सटर्नल बेनिफिट्स. यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया, नोट कर लिया, चैट में लिख के बता दें जरा जी. ओके, सो इफ यू आर डन तो ओके जी ठीक है बेटा. सो मैं इस बोर्ड को इरेज कर रहा हूँ, फिर से मैं लिखूँगा एक्सटर्नल बेनिफिट से स्टार्ट करूँगा. ओके, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एक्सटर्नल बेनिफिट्स. और एक्सटर्नल जैसे कॉस्ट थी, कॉस्ट टू द थर्ड पार्टी, इसी तरह एक्सटर्नल बेनिफिट होंगे बेनिफिट टू द थर्ड पार्टी. जब आपके किसी एक्शन की वजह से थर्ड पार्टी को कोई फ़ायदा मिलेगा दैट विल बी एन एक्सटर्नल बेनिफिट, काइंड ऑफ एक्सटर्नल बेनिफिट. सो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी फिर? एक्सटर्नल बेनिफिट मीन्स बेनिफिट टू द थर्ड पार्टी. ठीक है, थर्ड पार्टी को जो फायदा मिलता है आपके किसी एक्शन की वजह से. एज अ कंज्यूमर अगर कोई चीज़ आप कंज्यूम करते हैं और एज अ प्रोड्यूसर कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, उसका थर्ड पार्टी को फ़ायदा होगा तो ये एक्सटर्नल बेनिफिट कहलाएगा. लेकिन थर्ड पार्टी होता कौन है? वाइल थर्ड पार्टी इज़ अ पर्सन हु इज़ नीदर प्रोड्यूसर नॉर कंज्यूमर. ठीक है, ना तो वो प्रोड्यूसर होता है ना ही कंज्यूमर होता है. अब इसकी लाइक एग्जाम्पल क्या हो सकती है हमारे पास एक्सटर्नल बेनिफिट की? जैसे सपोज करें इफ समवन गेट्स एजुकेशन और इफ समवन गेट्स वैक्सीनेशन या गेट्स वैक्सीनेटेड अगेंस्ट सम डिजीज एंड और समवन प्लांट्स अ ट्री प्लांटेशन, तो वो सिर्फ कंज्यूमर को फ़ायदा नहीं देगा बल्कि थर्ड पार्टी को भी उसका फ़ायदा होगा. ठीक है, सो कंज्यूमर्स के साथ साथ थर्ड पार्टी को भी फ़ायदा होगा. जी अभी बस थोड़ा सा ओ लेवल्स का हमारे पास रह गया काम, इसको ओके ठीक है. सो एजुकेशन, वैक्सीनेशन एंड plantation, these are the things that create positive externalities which are benefit to the producer, consumer as well as third party. अब कैसे लाइक कोई अगर एजुकेशन गेन करेगा तो वो सिर्फ खुद फ़ायदा नहीं लेगा, ओवरऑल इकोनॉमी उससे फ़ायदा लेगी, थर्ड पार्टी को भी वो फ़ायदा देगा. एंड इफ समवन गेट्स वैक्सीनेटेड अगेंस्ट लाइक काइंड ऑफ वायरस देन इट मीन ही इज स्टॉपिंग द स्प्रेड ऑफ दैट डिजीज फॉर द तो वो थर्ड पार्टी को फायदा दे रहा है। प्लांटेशन का मतलब है कि अगर आप इफ़ यू प्लांट अ ट्री देन यू विल बेनिफिट इट फ्रॉम दिस प्लांट इन मल्टीपल वेज as well as overall third party and society will also benefit in the form of shade, in the form of better environment and in the form of greater quantity of oxygen available to them. So external cost is tarah se third party ko fayda degi. Then coming to the social benefits. Social benefits are benefits to the entire society. These are benefits to the entire society. ठीक है, इसकी लाइक अगर हम फॉर्मूला लिखें तो सोशल बेनिफिट्स इक्वल टू एक्सटर्नल बेनिफिट्स प्लस प्राइवेट बेनिफिट्स। ओके, सो प्राइवेट बेनिफिट का क्या फॉर्मूला होगा? उसी तरह से लाइक प्राइवेट बेनिफिट को आप सब्जेक्ट बना लेंगे, इक्वल टू लाइक सोशल बेनिफिट हो जाएगा माइनस एक्सटर्नल बेनिफिट। सो इसी तरह एक्सटर्नल बेनिफिट के लिए भी एक्सटर्नल बेनिफिट को आप उसी मेन फार्मूला जो पहला फार्मूला है उसमें एक्सटर्नल बेनिफिट को सब्जेक्ट बना के प्राइवेट बेनिफिट को दूसरी तरफ मूव ऑन करें तो सोशल बेनिफिट्स इक्वल टू एक्सटर्नल बेनिफिट इक्वल टू सोशल बेनिफिट माइनस प्राइवेट बेनिफिट। ठीक है, सो ये आपके पास लाइक इनके डिफरेंट लाइक फार्मूला लिस्ट आ गई। एंड देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग कि आपका ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट कहाँ पे बनता है। ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट वहाँ पे होगा जहाँ पे आपकी सोशल कॉस्ट इक्वल टू सोशल बेनिफिट्स हो जाएगा। तो वो पॉइंट आपका ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट कहलाएगा। और इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे दैट ग्राफ विल लुक लाइक दिस। जैसे इक्विलिब्रियम का ग्राफ बनाते थे, मार्केट इक्विलिब्रियम का, जहाँ डिमांड एंड सप्लाई मीट करते हैं वहाँ पे ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट होता है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। सो ऑन एक्स वी हैव क्वान्टिटी एंड दिस इज सोशल बेनिफिट एंड दिस इज सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट उसी तरह सप्लाई की तरह है, सोशल बेनिफिट उसी तरह डिमांड की तरह की चीज़ है। और वाई एक्सिस पे हम लिख रहे हैं कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, दो चीज़ें आ जाती हैं। तो ऑप्टिमम पॉइंट ई पे बनेगा जहाँ पे सोशल कॉस्ट और बेनिफिट्स इक्वल हैं, कॉस्ट आर इक्वल टू बेनिफिट्स, और आउटपुट हमारे पास क्यू हो जाएगा। ये जो क्यू आउटपुट है दिस इज़ ऑप्टिमम आउटपुट, ये जो क्यू आउटपुट है दिस इज़ कॉल्ड ऑप्टिमम आउटपुट। अब लास्ट चीज़ आज की क्लास के लिए हम देख लेते हैं, अगर आउटपुट इससे ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा Q से Q1 पे तो ये ओवर प्रोडक्शन कहलाती है। ओवर प्रोडक्शन का मतलब है कि सोसाइटी की ज़रूरत से ज़्यादा बन रहे, सो सप्लाईज मोर देन डिमांड। तो इस केस में अब आपके पास देखें सोशल कॉस्ट सोसाइटी के लिए ज़्यादा होगी, बेनिफिट्स कम है। इसको पॉइंट ए का नाम दे दें, इसको पॉइंट बी का नाम दे दें। तो ये जो ट्राइंगुलर एरिया यहाँ पर बिल्ड हुआ है जो कि ऑप्टिमम पॉइंट ई के राइट हैंड साइड पे, इसको हम टेक्निकली नाम देते हैं डेड वेट लॉस और इसका दूसरा नाम सोशल वेलफेयर लॉस भी कहते हैं इसको, सोशल वेलफेयर लॉस जी। और ये बेसिकली क्या होगी, दिस लॉस इज इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। जब सोसाइटी को कॉस्ट ज़्यादा पे करनी पड़ रही हो और सोसाइटी को फ़ायदा उतना ना हो रहा हो तो उसे लाइक दैट विल बी काइंड ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी और डेड वेट लॉस टू द सोसाइटी। लेकिन बट इफ़ आउटपुट इज़ लेस देन क्यू, अगर आउटपुट कम हो जाए क्यू से Q2 की तरफ इधर आ जाए तो इसको नाम देंगे अंडर प्रोडक्शन का। अंडर प्रोडक्शन का मतलब है जितना सोसाइटी को चाहिए उतना नहीं प्रोड्यूस हो रहा, तो इसलिए भी डेड वेट लॉस होगा। अब ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। अब ये जो ट्राइंगल यहाँ पे बिल्ड हुई है सोशल कॉस्ट और बेनिफिट्स के गैप में, इसको भी हम डेड वेट लॉस का नाम देते हैं। बट दिस इज द लॉस ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, लाइक जो सोसाइटी को पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी मिल सकती थी अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होती, वो अब नहीं मिल रही। तो इतना एरिया बेनिफिट का हमारा लूज हो रहा है।